अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर मैच कर सकते हो, जिनके हो गए या जो लोग कर रहे हैं अपनी एंट्रीज मैच कर रहे हैं। सर 2 मिनट और रुक जाओ, बस 1 मिनट और। ठीक मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, आराम आराम से देखता रहियो, आंसर है मैच सर। कर लियो। हमने रीइशू कितने में करा है? एक सेकेंड देखता हूँ, 7 पर शेयर फुली पेड अप। ओके सर। सोहा आपको कोई डाउट आ रहा हो बेटा? नो सर, अभी तो नहीं आया। ठीक है, डन सर। आंसर हो गया था मैच? ठीक यस सर। है, फोर फीचर टू फर्स्ट हॉल। अब हमने 2000 शेयर्स फोरफीट किए हैं, जिनमें हमने 3, 3, 6 और 2, 8 यानी 16,000 रुपए मांगे, जिसमें से हमें 4,000 नहीं मिले, तो 2 × 6 12,000 मिल गए। सोहा यहां तक कोई डाउट बेटा? अब हमने 3,000 शेयर फोरफीट कर लिए, यानी हमारे पास 27,000 शेयर्स पे 2 रुपए फाइनल कॉल में ड्यू होंगे, दैट इज 54,000। इसमें से हमें 6,000 रुपए नहीं मिले, यानी कि 48,000 मिल गए। एंट्री नंबर 11, हम फोरफीट करेंगे अब 3,000 शेयर्स जो हैं सी के उन्हें, तो फोरफीचर इसने हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं की। 3,000 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए मांगे गए थे, 30,000, जिसमें से 6,000 नहीं मिले, यानी कि 24,000 मिल गए। आप इसकी टेबल से ऊपर मैच कर सकते हो आंसर्स। ए ने हमें दिए 3,000, बी ने दिए हमें 12,000, 3, 3, 6 और 2, 8 × 3, 24।
ए का फोर फीचर आया हमारे पास 3000, बी का आया था 12000 और सी का आया है 24000। अब हमने री इशू करने हैं टोटल 4000 शेयर्स 7 रुपए में, 4 7s are 28, फुली पेड अप है 40000, ये हो गया 12000। लास्ट एंट्री आ जाएगी हमारे पास फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब बस वर्किंग नोट है जो समझने वाली चीज है लास्ट, बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने टोटल रीइशू किया बेटा 4000 शेयर्स, जिसमें से 2000 बी के हैं, बाकी के 2000 जो हैं वो ए और सी के हैं। 2000 पे इसका फोरफीचर आया था 12000, ए और सी के टोटल शेयर्स थे 4000, जिन पे टोटल फोरफीचर आया था 24 और 3 27000 रुपए, यानी के 2000 पे आ जाएगा 13500। इन 4000 पे हमारे पास टोटल फोरफीचर हो गया 25500, जिसमें से जब लॉस माइनस करोगे 12000 का तो 13500 आपका कैपिटल रिजर्व। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो आपको फिर बुक के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। हो जाएंगे सोहा जी? सर इससे मुश्किल कोई लैंग्वेज नहीं है। नहीं बेटा, ये सबसे एक्सट्रीम है तुम्हारा, क्योंकि इसके अंदर मैंने हर एक उसमें जो है आपको फोर फीचर समझा दिए, तो इससे आपका कॉल्ड अप पेड अप का भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है कि कॉल्ड अमाउंट का मतलब क्या और अनकॉल्ड अमाउंट का मतलब क्या। ओके सर, मतलब जहां पर फोरफीट कर देते हैं हमारे वही कॉल्ड अमाउंट हो जाता है ना? नहीं देखो, मैंने 6 रुपए मांगे, उसने जब 3 रुपए नहीं दिए मैंने फोरफीट कर लिया, यानी कि ए से मैंने टोटली 6 रुपए मांगे है ना, तो कॉल्ड अमाउंट ही 6 है, 4 अनकॉल्ड अमाउंट हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अकेला आपके बेसिक जो है उसके स्ट्रॉन्ग कर देगा कॉल्ड और अनकॉल्ड वाली चीज के। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है बेटा।